तो है बाहर, लकड़ियाँ वगैरह मिल नहीं रही है। बहुत मेहनत के बाद 12 बिस्किट खिला दिया और अभी भी इसकी भूख नहीं रही, तो ये बहुत भूख है। आजा, आजा। माचिस में सिर्फ 2 तीलियां बच रखी भाई। जो भूत वगैरह पूछते हैं ना लोग, यहाँ पर पीला कपड़ा है और पिछले आग बढ़िया करके जल गई है। गाइस फिर से निकल पड़ा हूँ मैं फिर से एक सोलो कैंपिंग ब्लॉग के लिए। तो आज की पूरी नाइट मैं अकेले रहने वाला हूँ, तो आज सोलो कैंपिंग करने वाला हूँ। तो अभी तक मैं लोकेशन सर्च वगैरह कर रहा हूँ जंगल में, तो लोकेशन वगैरह अभी मिला नहीं। तो ये एक लोकेशन लग रहा मुझे, हो सकता मैं अगर लोकेशन कहीं नहीं मिलेगा तो यहाँ पर टेंट पिच करूँगा और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ भी दिख रहा है यहाँ पर से। तो पहले लोकेशन सर्च करता हूँ। बहुत सारे लोकेशनों को मैंने सर्च करा लेकिन कहीं पे लोकेशन मिला नहीं मुझे अच्छा। तो अभी आज बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, तो यही वाला लोकेशन मैंने फाइनल करा। तो यहाँ पर मैंने सामान वगैरह तो सारे रख दिए, तो उसके बाद जल्दी से सामान को अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर टेंट को पिच करता हूँ। ये रहा अपना बैग और इसमें जो भी सामान है सारे अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये अपना मैट्रेस है, तो गाइज ये रहा अपना टेंट और इसको करता हूँ मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग और फिर इसको फिच भी करना है अभी। तो फाइनली टेंट का अनबॉक्सिंग तो हो गया और अब टेंट को करते हैं भाई पिच। सो फाइनली गाइस टेंट अपना पिच हो गया और अब इसके ऊपर रेन कवर वगैरह डाल देता हूँ क्योंकि यार इधर से बारिश बारिश वाला मौसम बन गया। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, तो इधर से पूरा बारिश बारिश वाला सीन बन रहा है। तो अभी के लिए टेंट अपना अच्छे से पिच हो गया। गाइस ये रहा अपना रेन कवर और जल्दी से इसको टेंट के ऊपर डालता हूँ। तो अभी के लिए टेंट मैंने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ढलान टाइप का बन रहा था, तो टेंट हल्का सा पीछे करके और इसमें रेन कवर फील करता हूँ। टेंट मैंने यहाँ पे बढ़िया करके पिच कर दिया है और इसके बाद अब यहाँ अंदर सामान को शिफ्ट कर देता हूँ मैं टेंट के अंदर।
सामान वगैरह मैंने सारे टेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जितना भी था, बस बाहर पे जो बचा है खाना खुने का बचा है। टेंट उंट मैंने पूरा पिच कर दिया अच्छे से और टेंट के अंदर मैंने सारे सामान शिफ्ट कर दिए। तो अब आग जलाने की तैयारी करता हूँ और उसके लिए सबसे पहले मुझे चूल्हा बनाना होगा। तो अभी पत्थर पुत्थर ढूंढता हूँ कोई बढ़िया सा जिससे कि चूल्हा बन जाए। तो गैस वाला सिस्टम अभी भी अपने पास आया ही नहीं, तो बहुत जल्द आ जाएगा। तो अभी चूल्हा बनाने के लिए पत्थर वगैरह ढूंढने निकलता हूँ। दो पत्थर हमें वैसे यहाँ पर मिल गए तो इनको उखाड़ के चूल्हा बनाता हूँ आगे पे। और आग आज हम टेंट के सामने जलाने वाले हैं, तो टेंट के आगे चूल्हा बनाएंगे। तो आगे का व्यू जो दिखेगा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का दिखेगा। तो भाई चूल्हा अपना बन गया और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। तो आज देखते हैं फिर से खाना खुना कैसा बनेगा। खाना वगैरह तो बन जाएगा सब, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही भाई, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगी वो आग के होने वाली है। तो अभी के लिए लकड़ी वगैरह अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, तो लकड़ी वगैरह ढूंढने चलते हैं। चूल्हा लगाने के लिए तीन पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है, तो दो और लेकर आ गया मैं यहाँ पर पीछे से लगाने के लिए। तो अब चूल्हा तो अपना फाइनल हो गया, तो अब निकलता हूँ भाई लकड़ी के लिए। लकड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो इससे पेड़ों से काटना पड़ेगा सूखी सूखी लकड़ियाँ। तो गाइस यहाँ पे लकड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लकड़ियाँ वगैरह मिल नहीं रही है। बहुत मेहनत के बाद थोड़ा बहुत ही इकट्ठा हो पाई है अभी तक, और कांटों के बीच से लकड़ियाँ निकालना पड़ रहा। कांटों के बीच में लकड़ियाँ फंस रखी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा थकान लग गई। तो गाइस ये चेक करो, यहाँ पर मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ तो इकट्ठी कर दी, और ये भी भाई बहुत मेहनत के बाद इतनी लकड़ियाँ हुई, और ये सारे कांटों के बीच में फंस रखा, और यहाँ से निकालना भाई बहुत टफ हो रहा। तो अभी के लिए थोड़ा बहुत लकड़ियाँ तो होगी और थोड़ा बहुत और चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा आगे निकलता हूँ यहाँ से, तो मे भी वहाँ पर लकड़ियाँ थोड़ा बहुत मिल जाए तो जिससे कि मेरा काम चल जाएगा। इतनी लकड़ियाँ मैं अभी टेंट के पास छोड़ कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत और है तो दोबारा आना पड़ेगा लकड़ियाँ लेना। लो कैंपिंग में बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं, और ऊपर से लकड़ियाँ मिल नहीं रही है। ऐसी जगह पास कैंपिंग होने वाला है, तो आज की नाइट के लिए इतनी लकड़ियाँ वैसे बहुत है मेरे लिए। इतनी लकड़ियाँ अपनी हो गई है और मे भी इतने से काम चल जाएगा अपना, और हाथ उथ पूरा छिल गया है भाई कांटों से, और इतने से अपना काम तो चल ही जाएगा आज। तो अभी के लिए थोड़ा सा आग उग जलाता हूँ, हवा बहुत तेज हो रही है यहाँ पे। भाई भाई बहुत भूखा है भाई, बहुत भूखा है। तो मैं भी लकड़ी वगैरह लेने गया था, तो मुझे रास्ते में मिल गया, तो मैंने इसको भाई 10-12 बिस्किट खिला दिया, और अभी भी इसकी भूख नहीं रही, तो ये बहुत भूख है। तो अभी के लिए मैं आग भूख जलाता हूँ, लकड़ी वगैरह मैं लेकर आ गया, तो तब तक ये बिस्किट वगैरह खाएगा। तो चलता हूँ टेंट के बाहर, में भी हो सकता है ये आज पूरी रात मेरे साथ रहे, तो देखते हैं गाइस। भाई इसकी भूख नहीं रह रही भाई, इतने सारे बिस्किट खिला दिया ना, दो पैकेट लेकर आ रखा था और ये रह रखा भाई। अभी मैं आग उग जलाने की तैयारी कर रहा, और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, तो देखता हूँ भाई आग जलती नहीं जलती अपनी। ये भी गया भाई, तो गाइज बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे आग उग तो अपनी जल गई है, तो माचिस में सिर्फ दो तिल्लियाँ बच रखी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ हो रही थी, तो आग बार बार बुझ जा रही थी। अभी के लिए आग अपनी जल चुकी है मस्त सी, और अब यहाँ पे चाय चूय बनाने की तैयारी करता हूँ मैं।
और अभी चाय बनाता हूँ और मॉर्निंग में बनाऊंगा भाई बढ़िया करके कॉफ़ी। और अभी के लिए पानी पुनी तो डाल दिया, तो थोड़ी देर पानी को उबालता हूँ और फिर इसमें चाय पत्ती वगैरह डालूंगा। अभी के लिए पानी थोड़ा बहुत उबल गया है और चाय पत्ती अपना ख़त्म हो गया था, तो मैं आज ये नया पैकेट लेकर आया, तो चाय पत्ती भी अपनी पड़ गई है, चाय अपनी उबल गई है बढ़िया करके। और अब इसमें दूध वगैरह डालता हूँ, तो दूध ज़्यादातर मैं मदर डेयरी वाला ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर मदर डेयरी का ही दूध यूज़ करता हूँ मैं, प्योर भी रहता है और लोग बच्चों को भी पिलाते हैं भाई मदर डेयरी वाला दूध, तो इसलिए मैं यही दूध यूज़ करता हूँ। तो फाइनली गाइस चाय अपनी उबल गई है और यहाँ पर बहुत तेज़ धुआं हो रहा है, ये आप चेक करो चाय अपनी उबल गई है। तो चलते हैं अब टेंट के अंदर और लेते हैं भाई चाय का मज़ा, ये चेक करो भाई अपना चाय बन गया। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ टेंट के अंदर और टेंट के अंदर बैठ के चाय का मज़ा लेता हूँ और प्याज टमाटर भी काटता हूँ यहाँ पे बैठ के बढ़िया करके, मस्त हो रहा है। तो जल्दी से प्याज टमाटर काटने की तैयारी भी करता हूँ। तो गाइस अभी मैं टेंट के अंदर चाय पी रहा हूँ और चाय के साथ साथ प्याज टमाटर भी काट रहा हूँ क्योंकि जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि भाई अकेला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी टेंट के अंदर चले जाऊँगा उतना सेफ फील करूँगा। और यहाँ पे एक कुत्ता आ गया है, आ जा, तो हो सकता है यही मेरे साथ आज टेंट के अंदर रहेगा, तो सोलो कैंपिंग फिर ग्रुप कैंपिंग हो जाएगा भाई अगर ये रात को मेरे साथ रहेगा तो। तो भाई मुझे डर वगैरह तो नहीं लग रही है वैसे आज इस जगह पे, क्योंकि ये कुत्ता दो बार आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि इस कुत्ते के चक्कर में यहाँ भाई जंगली जानवर वगैरह आ जाए। तो अभी के लिए प्याज टमाटर काटता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको जल्दी से। तो गाइज प्याज भी ऑलमोस्ट कट ही गया है और लास्ट पीस रह रखा है, तो इसके बाद डिनर की तैयारी करता हूँ और अभी टमाटर काटना बाकी रह रखा। तो चाय भी ठंडी हो रही है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है और मौसम भी पूरा ठंडा ठंडा हो रखा है भाई आज, ऊपर से डॉगी आ गया आज मेरे साथ, तो डर वगैरह तो लग नहीं रही है आज अभी तक। आज मेरे साथ रहेगा ना टेंट के अंदर, रहेगा मेरे साथ रहेगा, बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा डॉगी है ये। तो अभी के लिए प्याज अपना काट गया और अब टमाटर काट रहा हूँ मैं, तो टमाटर काट के फिर बाहर पे जाऊँगा। तो फाइनली गाइस प्याज वो अपना कट गया और ये टमाटर भी ऑलमोस्ट कट ही गया, लास्ट पीस रह रहा। तो प्याज टमाटर को चूल्हे के पास लेकर चलता हूँ और फिर मैगी रेडी करता हूँ, अभी के लिए अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लकड़ियाँ सारी जल गई थी और आग भी बुझ गई है, तो अभी मैं लकड़ी वगैरह डाल लूँ तो दोबारा फिर से आग जलाता हूँ। अभी के लिए आग बढ़िया करके जल गई है और अब मैगी बनाने की तैयारी चल रही है। तेल अपना गर्म हो गया है तो अब इसमें प्याज डाल देता हूँ मैं, तो प्याज और टमाटर को अच्छे से फ्राई करता हूँ। तो प्याज अपना पड़ गया, तो थोड़ी देर बाद टमाटर भी डाल दूँगा। प्याज अपना अच्छे से ब्राउन हो गया है तो अब इसमें टमाटर डाल देता हूँ मैं, तो टमाटर को बढ़िया करके फ्राई करके फिर ग्रेवी बनाता हूँ, फिर पड़ेगी अपनी इसमें मैगी। मैगी अपनी पड़ गई है इसमें, तो आग भी जली गई है, बीच में बुझ गया था तो मैंने फिर से इसमें लकड़ी वगैरह डाल के आग तेज़ कर दी है। तो करते हैं मैगी बनने का वेट और फिर करेंगे भाई मस्त डिनर। टीवी में ऐड में देखा हो 2 मिनट में मैगी रेडी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस मैगी अपनी रेडी होगी, तो करते हैं इसके बाद बढ़िया से डिनर और टेंट के अंदर ले जाता हूँ मैगी को। मैगी लेके मैं आ गया हूँ और अब करते हैं भाई यहाँ पे बढ़िया सा डिनर। तो डर वगैरह तो लग नहीं रही आज, काफ़ी सेफ जगह है ये। तो इसके बाद यहाँ पर गाने गोने की आवाज़ भी आ रही है, तो यहाँ पर से 1-2 किलोमीटर आगे पे एक गांव भी है जिसका नाम है रामणी, तो वहाँ से गाने गोने की आवाज़ भी आ रही है। तो टेस्ट करके बताता हूँ भाई कैसा हो रहा मैगी। मैगी तो बढ़िया हो रहा, थोड़ा गर्म हो रखा है, फाइनली मैगी अपना हो गया और डिनर बढ़िया हो गया। तो अभी जस्ट मैं आग सेक रहा था बाहर पे, तो अभी मैं टेंट के अंदर आया तो चाय रखी थी मैंने पीने के लिए, तो जो कुत्ता आया था मेरे साथ तो उसने चाय जूठी कर दी, चाय मैंने गिरा दिया। तो अभी के लिए मैं टेंट के अंदर जा रहा और इसके बाद सो जाता हूँ।
डिनर करके मैं टेंट के अंदर आ गया। तो अब सोने की तैयारी है, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी आ गया टेंट के अंदर, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रही है। लेकिन जब तक मुझे डर लगे मुझे पता है कि मैं सो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक रखा आज। तो अभी के लिए सो जाता हूँ और मिलता हूँ उसका सीधे मॉर्निंग में। तो गाइज बी सेफ एंड गुड नाइट। पट गया आवाज, कुत्ता भी भौंक रहा है भाई। गाइस कुछ तो है बाहर, बाहर पे है क्या? हाय गाइस गुड मॉर्निंग, तो नए दिन की शुरुआत हो गई है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेम ब्लॉग गाइस। तो गाइस मैं कल रात को ऐसी जगह पे भाई नाइट कैंपिंग कर रहा था, तो ये आप चेक करो भाई, यहाँ पर आपको भाई जो भूत वगैरह पूछते हैं ना लोग उसके सारे सामान दिखेंगे। ये यहाँ पर रबड़ वगैरह, शीशा वगैरह, लिपस्टिक, ये सारे लाल मिठाई वगैरह दिखेगा। तो गाइज ऐसी जगह पर मैं कल रात को ब्लॉग कर रहा था, तो पहले तो मैं सोच रहा था ये जगह भाई बहुत सेफ है, लेकिन भाई अभी जैसे मैं लकड़ी वगैरह लेना है ना मॉर्निंग में उठ के, तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो आपको आगे भी विजिट कराता हूँ एक और जगह पर, और वहाँ पर भी लाल पीले कपड़े इतने सारे हैं ना इधर भाई बहुत ज़्यादा। ये चेक करो, यहाँ पर पीला कपड़ा है, और यहाँ पर जो भूत वगैरह पूछते हैं लोग उस दिन खाना कोने में बनाते हैं, तो वो भी है यहाँ पे। तो इधर बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें हैं भाई जहाँ पर कि लाल पीले कपड़े हैं और भूत वगैरह पूछने के सामान भाई फेंक रखे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी जगह है, पहले तो मैं सोच रहा था ये जगह भाई बहुत सेफ है। तो मुझे यहाँ पर अच्छा ग्राउंड दिखा, तो मैंने यहाँ पर नाइट कैंपिंग कर लिया भाई। मैं पूरी रात सो नहीं पाया कल रात को, अभी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा ना, तो इधर ही पूरा लाल पीला कपड़ा दिख रहा है, और हर जगह पे भाई जो भूत वगैरह पूजने के सामान होते हैं ना वो फेंक रखे हैं। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले आग उग जलाता हूँ और कॉफ़ी बनाता हूँ, फिर यहाँ से घर को भी निकलूँगा, और घर निकलते टाइम में तो मैं इधर लाल पीले कपड़े जो भी दिख रहे हैं ना भाई सब दिखाऊँगा इधर भाई। बहुत सारी जगह पर यहाँ पर भूत वगैरह पूजा का, और कल रात के यहाँ पर लेपर्ड की आवाज़ तो आई, उसके बाद कुत्ते वगैरह भौंकने लग गए बहुत ज़ोर ज़ोर से, और कल रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाया मैं। उसके बाद नींद तो मेरी वैसे ही उड़ गई थी, और फिर रात को अजीब अजीब आवाज़ें आने लग गई यहाँ पे। तो कल रात को भाई बिल्कुल भी नहीं सो पाया, ये रात भाई मैंने कैसे मैनेज करा वो मुझे पता होगा। तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से आग उग जला लेता हूँ और कॉफ़ी बनाता हूँ। बहुत मेहनत के बाद मैंने आग उग भी जला दिया, और भाई लकड़ियाँ बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ रही थी अभी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रखा, और चूल्हे में कल रात का बिल्कुल भी आग नहीं रह रखा था, तो प्लास्टिक से बड़ी मुश्किल से आग जली यहाँ पे। और थोड़ा बहुत ये सूखे पत्ते हैं, इन्होंने जल्दी आग पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद में तो मैं हिमालय का व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि इधर पूरा बर्फ बर्फ हो रहा है, बहुत बढ़िया व्यू लग रहा है। तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से कॉफ़ी बनाता हूँ। और यहाँ पर ठंडा भी बहुत तेज़ हो रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। लेकिन एक चीज़ तो पता है यार मुझे, जैसे आप कहीं भी जाते हो ना नाइट कैंपिंग वगैरह करते हो ना, तो भाई आप सबसे पहले और कुछ नहीं आग उग जला दो तो खतरा भाई 50% कम हो जाता है। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और बढ़िया करके कॉफ़ी बनाता हूँ, और दूध तो अपनी पड़ गई, दूध में मदर डेयरी का ही यूज करता हूँ ज़्यादातर। हवा इतनी तेज़ हो रही, कैमरा इधर उधर गिर जा रहा है। धूप भी आ चुकी है और कॉफ़ी भी अपनी उबल चुकी है, तो अभी के लिए कॉफ़ी को डालता हूँ मैं कप में। और इसमें डालता हूँ ये बढ़िया करके कॉफ़ी है, थोड़ा लोकल वाला है डाबर का वैसे तो, लेकिन कॉफ़ी का नाम है बीटा, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी मैं कॉफ़ी पे ना कुछ इस तरह की लोकेशन पर रखा, और यहाँ पर से व्यू देखो भाई, पीछे का व्यू इतना प्यारा लग रहा, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है भाई, ऊपर पहाड़ों में बर्फ बर्फ भी दिख रहा। तो पीते हैं भाई कॉफ़ी।
चलो फाइनली गाइस अपना डब्बू भी आ चुका है यहाँ पे। आजा 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 आजा, 3 2 1 गो। अभी मैं कुछ तरह के टॉप के लोकेशन बार का, और यहाँ पर से हिमालय का पूरा व्यू दिख रहा है। ग्राउंड वाले एरिया होते जब वहाँ बारिश होती तो ऊपर इन पहाड़ों में पूरा बर्फ बर्फ हो जाता है, तो बर्फ से भाई पूरे पहाड़े ढक रखे हैं। तो गाइज हेयर इज द ब्यूटी, जो कि कल रात को यहाँ से चले गया था और जोर जोर से भौंक रहा था बाहर, और मैंने सोचा कहीं इसको लेपर्ड वगैरह न ले जाए। अभी कल अपना कॉफी हो गया और इसके बाद अपन यहाँ से निकलता है भाई घर के लिए। सो फाइनली गाइज सामान सुमन अपना अच्छे से पैक हो गया और अब टेंट को फोल्ड करने की बारी है, तो टेंट को भी फोल्ड करता हूँ और बैग को यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। सामान सुमन मैंने सारे बैग में शिफ्ट कर दिए और अब टेंट को फोल्ड करने की बारी है, तो जल्दी से टेंट को भी फोल्ड करता हूँ और फिर निकलता हूँ भाई यहाँ से घर के लिए। ये रहा अपना टेंट जो कि हो गया है बढ़िया से पैक, और इसको अब बैग में शिफ्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे कोयल की आवाज़ भी आ रही है पीछे से। तो गाइस ये किया अपना टेंट और लास्ट बर्तन वगैरह रह रखे, तो इसको भी इसमें शिफ्ट कर देता हूँ। कोयल की आवाज़ आ रही है इधर इधर, तो भाई आवाज़ ही आवाज़ आ रही, कभी कोयल की आ रही, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की भाई। और ये रहा अपना मैट्रेस। तो गाइज बैग अपना पैक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर देते हैं जैसा मैं हर बारी करता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे सफाई करता हूँ। तो गाइस जो भी यहाँ पे कूड़ा वगैरह था तो मैंने सारे इसमें डाल दिए, और यहाँ पे आग थोड़ा बहुत रह रखी है, तो आग के ऊपर से पत्थर रख देता हूँ मैं, आग इधर उधर ना फैले जंगल में। तो ये आग अपना अच्छे से कवर हो गया, और लकड़ियाँ यहाँ पे बच रखी पर किसी और का काम आ जाएगा। तो इस कूड़े को मैं साथ में ले जाता हूँ बैग में, और कहीं पर कूड़ादान मिलेगा तो कूड़ेदान में डाल दूँगा। सो गाइस सामान सुमून मेरा सारा पैक हो गया, और तो अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नाइट कैंपिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।